नवरात्रों के दौरान जहां माता रानी के दरबार में एक दीदार के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, वहीं जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध हणोगी माता का मंदिर नवरात्रों में भी पूरी तरह सूना पड़ा हुआ है। गत वर्ष फोर लेन निर्माण के बाद से हणोगी माता का मंदिर यातायात से कुछ इस तरह कटा कि अब दिन भर में इक्का दुक्का लोग ही यहां पहुंच पा रहे हैं। यही कारण है कि लोगों का इस मंदिर की तरफ आना नाम मात्र का ही रह गया है। फोर लेन निर्माण से पहले मंदिर के प्रांगण से ही सारा ट्रैफिक जाता था, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता था जो यहाँ ना रुकता हो। हर व्यक्ति यहाँ माँ के दरबार में शीश नवाकर ही आगे जाता था। मंदिर तक लोगों के ना पहुंच पाने का मुख्य कारण यहाँ से होकर गुजरने वाले पुराने हाईवे का क्षतिग्रस्त होना भी है। और जब से टनल 1-1.5 साल हो गया है, टनल जब से यहाँ से टनल से ट्रैफिक जाना शुरू हुआ है, तो तब से हमारे यहाँ मंदिर में मंदिर की आय में बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत क्या फ़र्क पड़ा है कि 90-95% फ़र्क पड़ा है। आ तो रहे लोग, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं, पर पहले के मुकाबले इतना वो नहीं है। तो पिछले साल जो यहाँ पे फ्लड आया था उसमें ये रोड बह गया था आगे द्वाडे से आगे, ये रैस नाल से आगे। तो इस रोड की वजह से भी जो लोग काफ़ी लोग जो आना चाहते हैं कुल्लू की तरफ से वो नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि NH है हमारा, ये हणोगी से हमारा जो थलौट के बीच में है जो NH जो बंद पड़ा है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना है। इसमें हमारी कुछ पंचायतों के गांव की भी सड़कें जाती है, तो इसमें तो मैं चाहूँगा सरकार से कि इस पर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करें और इन सड़कों को खोलें ताकि यहाँ से यहाँ श्रद्धालु आने वालों के लिए भी सुविधा हो। और जो दूसरे हमारा जो गांव के लिए चाहो हमारा रैंसन शहर की पंचायत हैं, हमारा बड़वाड़ी की पंचायत हैं, उनका जो आने जाने का जो शॉर्टेस्ट जो रूट है वो भी बंद पड़ा है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रोवर होटल कांगड़ा।